हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इस वीडियो में जो हम यूएफा चैंपियंस लीग का एक बड़ा मैच कवर करने वाले हैं वो खेला जाएगा डिनमो जागरेब वर्सेस चेल्सी के बीच। मैच का वेन्यू होगा जागरेब। किक ऑफ होगा रात में 10:15 PM पे। तो चेल्सी के बारे में आप जानते होंगे, ये क्लब प्रीमियर लीग का ही नहीं वर्ल्ड के भी वन ऑफ द टॉप क्लब में काउंट होता है। इनका मैच है डिनमो जागरेब से, जो कि क्रोएशियन लीग का क्लब है और जो क्रोएशिया में लीग खेली जाती है वहां का डिनमो जागरेब बेस्ट क्लब माना जाता है। ओवरऑल अगर दोनों की स्क्वाड क्वालिटी की बात करें तो ऑन पेपर भी लॉजिकली भी वैसे देखा जाए चेल्सी यहाँ पे एक क्लियर कट फेवरेट टीम होगी, वो काफी स्ट्रांग टीम है डिनमो जागरेब के कंपैरिजन में। बट डिनमो जागरेब के पास भी ना कुछ ऐसे अच्छे प्लेयर्स हैं जो चेल्सी को यहाँ पे टो टू टो टक्कर दे सकते हैं। दूसरी चीज, अभी थोड़ी सी चेल्सी हमें स्टार्टिंग सीजन में, इस न्यू सीजन में इनकंसिस्टेंसी भी नजर आई है, तो यहाँ पे क्या है ना, डिनमो जागरेब श्योरली इनको टक्कर देने में केपेबल है। लेकिन फिलहाल के लिए स्मॉल लीग में तो हम चेल्सी को ही बैक करके अपनी टीम बनाने वाले हैं। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं श्योरली आप कुछ कॉम्बिनेशन लो स्कोरिंग डिनमो जागरेब वाली विक्ट्री के लिए जाना और कुछ ड्रॉ वाले कॉम्बिनेशन आप ले जा सकते हैं। डिनमो जागरेब श्योरली एक अपसेट प्रोड्यूस करने में केपेबल है, बट फिलहाल के लिए फेवरेट चेल्सी होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, लाइनअप आने के बाद इस मैच की जो भी फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स होगी वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन या टॉप पिन कमेंट में, वहां से जुड़ के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 4200 के आसपास सब सारा चैनल आपको मिल जाएगा। ऑलमोस्ट सभी फुटबॉल मैचेस में इसी टेलीग्राम चैनल में कवर करता हूँ। अब हम बात करते हैं जो अभी के लिए ग्रुप स्टेज वाला है टेबल है उसकी। तो उसमें आप देखिए चेल्सी और डिनमो जागरेब के अलावा इस ग्रुप में साल्जबर्ग और एसी मिलान भी है। मेरे अकॉर्डिंग चेल्सी और मिलान मोस्ट प्रोबेबली टॉप टू में फिनिश कर सकते हैं अगर कोई उलटफेर बहुत बड़ा नहीं होता है। अब मैं आपको दिखा दूं दोनों टीम्स अपना लास्ट मैच कैसा खेल के आ रही है। तो चेल्सी ने तो अपना पिछला मैच प्रीमियर लीग में खेला था, उन्होंने 2-1 से वेस्ट हैम को अपने घर में हराया था। काय हावर्ट्स और चिलवेल ने गोल मारा था और चिलवेल का ही असिस्ट आया था और थियागो सिल्वा ने भी असिस्ट प्रोवाइड किया था। जबकि डिनमो जागरेब ने अपनी वाली क्रोएशियन लीग में लास्ट मैच खेला था और उन्होंने 3-1 से रिजेका नाम के क्लब को हराया था। ऑर्सिच जो उनके टेलिसमैन है लॉरिटसन और स्पाइकिक, इन्होंने गोल मारा था। ऑर्सिच के 2 असिस्ट भी थे और इवान यूसिक का असिस्ट था। ओवरऑल जो ये डिनमो जागरेब की लीग है क्रोएशियन लीग, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, इस वजह से यहाँ ये अपना हर सीजन लगभग जीतते हैं टाइटल और इनका एक इंडिविजुअल डोमिनेंस भी रहता है। बाकी मैंने बता दिया फेवरेट चेल्सी होगी, तो अभी के लिए स्मॉल लीग में हम चेल्सी को ही बैक करके अपनी टीम बनाने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम प्रोबेबल लाइनअप पे आते हैं, पहले चेल्सी की बात कर लेते हैं। तो अगर चेल्सी मेरे अकॉर्डिंग फेवरेट है तो अभी के लिए हम इनके ही मैक्सिमम प्लेयर भी पिक करेंगे, यानी कि स्मॉल लीग में मैं 7 प्लेयर चेल्सी के पिक करने वाला हूँ और अपोनेंट के पिक करूंगा सिर्फ 4 प्लेयर। तो चेल्सी के लिए इस मैच में कांटे बाहर है और थियागो सिल्वा को भी रेस्ट दिया है, तो ये दोनों अनअवेलेबल हैं। तो फिलहाल चेल्सी की प्रोबेबल 11 देखते हैं। एडवर्ड मेंडी इनके गोलकीपर होंगे, 3 इन द बैक में खेलेंगे। एचपल इक्वेटा, फोफाना और कुलीवेली इनके 3 सेंटर बैक होंगे। इसके अलावा जेम्स और चिलवेल इनके 2 विंग बैक्स होंगे और ये 5 प्लेयर आपको मिलेंगे फैंटेसी प्लेटफॉर्म में डिफेंस सेक्शन में। अब यहाँ पे एक चेंज क्या हो सकता है ना, इन केस अगर एचपल इक्वेटा नहीं खेलते हैं तो फिर फोफाना राइट में आ जाएंगे, कुलीवेली सेंटर बैक होंगे और जो कुलीवेली वाली साइड लेफ्ट सेंटर बैक होगा उस केस में यहाँ पे कुकुरिया स्टार्ट कर सकता है क्योंकि चिलवेल एज अ विंग बैक मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये बैकलाइन होगी। तो अगर किसी एक टीम का यहाँ पे क्लीन शीट का चांस है वो मेरे अकॉर्डिंग चेल्सी का है। दूसरी चीज, चेल्सी बहुत हैवी पोजीशन भी डोमिनेट करेगी जबकि डिनमो जागरेब जो है वो काउंटर में खेलेगी। तो अभी के लिए हम मैक्सिमम डिफेंडर जो है चेल्सी के ही पिक करने वाले हैं। अगर आपको सेफ जाना है इन 5 में आप कोई 4 डिफेंडर शुल्ली पिक कर लेना और मैं भी अभी के लिए 4 डिफेंडर पिक करके चल रहा हूँ। लेकिन अगर आप हल्के से रिस्क टेकर एक एक्स्ट्रा टैकल ले जाना चाहते हैं तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिनिमम 3 आप चेल्सी के डिफेंडर शुल्ली ले आना इस मैच में। तो फिलहाल अभी के लिए इनके डिफेंस में मेरी टॉप 4 चॉइस हैं, जेम्स, चिलवेल, कुलीबेली एंड फोफाना। किसी एक को ड्रॉप करने में एचपल इक्वेटा को करूंगा। जेम्स और चिलवेल तो वैसे ही मस्ट पिक हो जाते हैं, आप जानते हैं कितने अटैकिंग विंग बैक है चेल्सी के, ये दोनों इस पोजीशन से कभी भी गोल असिस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट चिलवेल ने पिछले मैच में सब्स्टिट्यूट से आगे 1 गोल 1 असिस्ट मारा और जेम्स का तो पूरा सीजन ही अच्छा जा रहा है, कॉर्नर किक फ्री किक भी साथ में ले रहे हैं, तो ये तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के भी टॉप ऑप्शन होंगे इस मैच में रीस जेम्स। बाकी थर्ड और फोर्थ मेरे कुलीवेली फोफाना है, दोनों हेडर में सॉलिड है, दोनों डिफेंसिव वाइज अच्छे हैं। फोफाना हमें याद होगा इनके न्यू साइनिंग है, पहले लेस्टर सिटी में खेलते थे और कितना डिफेंसिव वर्क लेस्टर के लिए करते थे। पिछले जो वेस्ट हैम वाले मैच में इन्होंने चेल्सी का डेब्यू किया उसमें भी बहुत डिफेंसिव वर्क किया। बाकी कुलीबेली भी डिफेंसिव वाइज अच्छा और ये दोनों ही हेडर में सॉलिड है।
इस वजह से अभी के लिए मैं इन चार के साथ जा रहा हूँ, किसी एक को ड्रॉप करना है मैं एचपीएल इक्वेटा को करूंगा। मे भी आपको लगता है एचपीएल इक्वेटा राइट सेंटर बैक पोजीशन से अच्छा करेंगे और अंडरलैपिंग रन वगैरह बनेंगे, असिस्ट वगैरह कर सकते हैं, तो आप चाहे फोफाना ड्रॉप करके एचपीएल इक्वेटा को पिक कर सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया मैं जेम्स चिलवेल कुलीवेली और फोफाना इन चार डिफेंडर्स के साथ जा रहा हूँ। मिडफील्ड में कोवाचिज और जॉर्जिनियो खेलेंगे। अब मेरे अकॉर्डिंग जॉर्जिनियो मस्ट पिक है, रीजन आप ऑब्वियस सी बात है जानते होंगे, इतने मैचेस हम चेल्सी के कवर करते हैं, जॉर्जिनियो चेल्सी के मेन चॉइस पेनल्टी टेकर हैं। यूसीएल मैचेस में मैंने देखा है पेनल्टी वगैरह बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से अभी के लिए मैं जॉर्जिनियो मस्ट पिक कह रहा हूँ। और विदाउट गोल असिस्ट भी 20 से 25 सेव पॉइंट दे सकते हैं पासेज और डिफेंसिव एबिलिटीज है, तो मैं अभी के लिए जॉर्जिनियो के साथ जा रहा हूँ। कोवाचिज आपके लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं, इनकी खास बात क्या है ना, कोवाचिज फॉर्मर डिनामो जागरेब प्लेयर है, यानी कि कोवाचिज ने जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो डिनामो जागरेब से ही किया था, तो अपने प्रीवियस क्लब के अगेंस्ट अच्छा कर सकते हैं। दूसरी चीज, चैंपियंस लीग मैचेस में अनएक्सपेक्टेड स्कोरर भी हमें देखने को मिलता है और कोवाचिज के पास वो क्वालिटी है बॉक्स टू बॉक्स आगे रैंडम गोल असिस्ट करने की, और ये डिफेंसिव वर्क भी करते हैं, चांसेस वगैरह क्रिएट और पासिस के भी पॉइंट देते हैं। तो मे भी आपको मिडफील्ड में पॉइंट लेना है या आपको लग रहा कोई अटैकर फ्लॉप जाएगा, उस केस में आप यहाँ पे कोवाचिज के साथ जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने पिक नहीं किया, बट श्योरली कोवाचिज आपके लिए एक ऑप्शन रहेंगे। फॉरवर्ड थ्री होंगे माउंट, स्टर्लिंग और ब्रोजा। अब यहाँ पे क्या चेंज हो सकता है, अगर ब्रोजा को स्टार्ट नहीं मिलता तो मोस्ट प्रोबेबली काय हावर्ट्स को स्टार्ट मिलेगा। फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूँ ब्रोजा, स्टर्लिंग और माउंट फॉरवर्ड होंगे। स्टर्लिंग मस्ट पिक है, जब से चेल्सी में आए हर मैच में इंपैक्ट डाला है, ऑल्दो हर मैच में इनका गोल असिस्ट नहीं आया, लेकिन मैक्सिमम मैचेस में इन्होंने गोल वगैरह भी स्कोर किया, अभी ये 3 गोल 1 असिस्ट कर चुके हैं। जिस तरह की फॉर्म में मस्ट पिक तो रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन के टॉप ऑप्शन रहेंगे स्टर्लिंग, तो मेरे अकॉर्डिंग स्टर्लिंग मस्ट पिक है। और अभी के लिए मैं मेसन माउंट के साथ भी जा रहा हूँ, ऑल्दो इस न्यू सीजन में बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, 5-6 मैचेस खेल चुके हैं, एक भी गोल असिस्ट नहीं आया, लेकिन माउंट ना वैसे विदाउट गोल असिस्ट भी अच्छे खासे फैंटेसी वाइज हमें पॉइंट देते हैं, पासेस करते हैं, चांस क्रिएट करते हैं, कॉर्नर किक फ्री किक जेम्स के साथ शेयर करते हैं और डिफेंसिव वर्क भी करते हैं, इस वजह से अभी के लिए मैं माउंट के साथ जा रहा हूँ। और बड़ा प्लेयर है, फॉर्म में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिस दिन फॉर्म में आएगा इजिली 2-3 गोल 1-2 असिस्ट कर सकता है, तो अभी के लिए मैं मेसन माउंट को पिक करके चल रहा हूँ। ब्रोजा एक प्रॉपर पंट पिक होगा, साउथहैम्पटन में खेला था लास्ट सीजन, अच्छे गोल्स मारते, अच्छा स्ट्राइकर है, क्वालिटी सर्विस मिली तो फिनिश कर देगा, लेकिन अगर गोल असिस्ट नहीं आया हाई चांसेस मुझे इस बात के लग रहे हैं 70 मिनट के आसपास सब्सिट्यूट हो सकता है। तो अगर आपको ब्रोजा लेना है या तो आपको लग रहा है जॉर्जिनियो ड्रॉप करना चाहिए तब आप ब्रोजा ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जॉर्जिनियो का गोल वगैरह नहीं आएगा पेनल्टी या ओपन प्ले से, तो उस केस में आप जॉर्जिनियो हटा के ब्रोजा ले सकते हैं, या आपको लग रहा माउंट फ्लॉप जाएंगे आप माउंट हटा के ब्रोजा ले सकते हैं, या आप पीछे से डिफेंडर एक शॉट करके फोफाना हटा के आप अर्मांडो ब्रोजा को पिक करके ले जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने ब्रोजा को पिक नहीं किया है। अभी के लिए जो मैं 7 प्लेयर पिक कर रहा हूँ, मैं जेम्स चिलवेल कुलीबेली और फोफाना इन 4 डिफेंडर्स के साथ जा रहा हूँ, बाकी मैं फॉरवर्ड में स्टर्लिंग माउंट और जॉर्जिनियो के साथ जा रहा हूँ। आप ब्रोजा या कोवाचिज में किसी एक प्लेयर पे पॉइंट ले सकते हैं एक डिफेंडर सेक्रीफाइस करके, या माउंट और जॉर्जिनियो में जो आपको लग रहा खराब खेलेगा उसको सेक्रीफाइस करके आप कोवाचिज या ब्रोजा में किसी एक पे पॉइंट ले सकते हैं। तो ये चेल्सी की प्रोबेबल 11 थी, लगभग सभी चीजें मैंने यहाँ से आपको डिटेल में बता दी, बाकी पेनाल्टी इनके जॉर्जिनियो लेंगे, और ये मैंने अभी चेल्सी के इस सीजन के प्रीमियर लीग के स्टैट लिखे हैं, आप ये स्टैट देख सकते हैं। अपोनेंट की बात करने से पहले वही चीज फिर से रिमाइंड दिला रहा हूं, लाइनअप आने के बाद इस मैच की जो भी फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स होगी वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टॉप पिन कमेंट में, वहां से जुड़ के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का अपोनेंट है डिनामो जागरेब की, तो डिनामो जागरेब की प्रोबेबल 11 देखते हैं। लिवाकोविक इनके गोलकीपर इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग चेल्सी ज्यादा अटैक करेगी, तो लिवाकोविक हमें अच्छे खासे सेव करके इस मैच में दे सकते हैं। गोलकीपर में डिनामो जागरेब का लिवाकोविक को ही पिक करके चल रहा हूं। 4 इनके डिफेंडर है, रिस्टोविस्की, सुटेलो, पेरिक और जुबिसिच। अब इनके 11 में ना मोस्टली प्लेयर आपको ऐसे दिखेंगे जो क्रोएशियन नेशनल टीम के लिए भी खेला करते हैं, जिसमें कि लिवाकोविक है, ऑर्सिज है, पेटकोविच है और भी प्लेयर हैं, तो यहाँ पे कुछ अच्छे प्लेयर टैलेंटेड प्लेयर जरूर हैं। फिलहाल इनके डिफेंस में अगर मेरे को किसी एक के साथ जाना हुआ मेरी नंबर वन चॉइस रहेंगे रिस्टोविस्की, ये जो नॉर्थ मैसेडोनिया की नेशनल टीम है ना उनके लिए भी रेगुलर खेलते हैं, डिफेंसिव वाइज भी अच्छे हैं और इनके पास असिस्ट पोटेंशियल भी अच्छा खासा है। अभी जो इन्होंने यूसीएल के क्वालिफाइंग मैचेस खेले ना उसमें भी रिस्टोविस्की ने 2 असिस्ट प्रोवाइड किए हैं, तो अभी के लिए मेरी नंबर वन चॉइस रिस्टोविस्की है। बाकी जुबिसिच भी अच्छे हैं, इनकी न्यू साइनिंग है, डिफेंसिव अच्छा खासा कर सकते हैं, क्योंकि राइट साइड से जेम्स हो गया और जो भी खेलेगा स्टर्लिंग या माउंट में
वो बहुत अटैक करेगा, तो जो भी चीज हमें अच्छे खासे डिफेंसिव पॉइंट इस मैच में दे सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं मैक्सिमम डिफेंडर चेल्सी के भी कर रहा हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे पास एक ही स्पॉट बचेगा, उस केस में मेरी पहली चॉइस रिस्टोविस की रहेंगे या मैं जोविचिच के साथ जा सकता हूँ। लेकिन अभी वैसे मैंने एक भी डिफेंडर पिक नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये दोनों अभी के लिए मेरी टॉप टू चॉइस है। पेरिक हेडर में सॉलिड है, लेकिन अब फेवरेट चेल्सी है तो इतने ज्यादा हम डिफेंडर इनके पिक नहीं कर पाएंगे। अडेमी और मिसिच दोनों डिफेंसिव मिडफील्ड में खेलते हैं, दोनों के डिफेंसिव नंबर डिसेंट है, लेकिन मेरी चॉइस रहेंगे अडेमी। एक तो इनका सिलेक्शन भी आई है, दूसरी चीज ये डिफेंसिव वर्क के साथ साथ कभी कभी गोल असिस्ट भी कर सकते हैं, और ये कभी कभी कॉर्नर किक फ्री किक भी दूसरे प्लेयर के साथ शेयर करते हैं, तो अभी के लिए मैं अडेमी के साथ गया हूँ मिडफील्ड सेक्शन में। बाकी आपको लग रहा है कोई अटैकर फ्लॉप जाएगा तो मिसिच भी आपके लिए एक डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं। बाटुरीना जो अटैकिंग मिडफील्डर है, कुछ ज्यादा खास स्टैट इनके है नहीं, सिर्फ चार ही प्लेयर पिक करने हैं तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, और मैक्सिमम मैचेस में जल्दी सब्स्टिट्यूट हुए। इवानोविच को भी मैं अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, ऑल्दो गोल असिस्ट कर सकते हैं, काउंटर में डिसेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी इनसे भी अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इन दोनों को आप जीएल में ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग में मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे अकॉर्डिंग तो डिनामो जागरेब का बेस्ट प्लेयर है वो है ऑर्सिच। अगर आपको याद होगा आज से एक डेढ़ दो साल पहले यूरोपा लीग में इनका टॉटनम के अगेंस्ट मैच हुआ था, और पहले मैच में टॉटनम ने पहले लेग में लीड ले ली थी, लेकिन सेकेंड लेग में ना ऑर्सिज ने टॉटनम जैसे अपोनेंट के अगेंस्ट हैट्रिक मारी थी और इनको नेक्स्ट राउंड में पहुंचा दिया था। बहुत बड़ा नाम है ऑर्सिज, हर सीजन यहाँ काफी ज्यादा गोल असिस्ट करता है, और ये पेटकोविच के साथ पेनल्टी भी शेयर करता है। अभी जो इनके यूसीएल क्वालिफायर्स के मैचेज हुए, क्योंकि ये क्वालिफायर्स के जरिए यहाँ पे इनको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिली है, उसमें भी ऑर्सिज इनका टॉप स्कोरर था 3 गोल के साथ, तो मैं ऑर्सिज को श्योरली पिक करूंगा। अगर आप एक ड्रॉ के लिए जा रहे हैं तो ये वाइस कैप्टनसी के भी टॉप ऑप्शन होंगे इस मैच में। अभी के लिए मैं ब्रूनो पेटकोविच के साथ भी जा रहा हूँ, जो क्रोएशियन नेशनल टीम के लिए भी अब रेगुलर खेल रहे हैं, वहां भी गोल असिस्ट करते हैं, और यहाँ भी इनका वन ऑफ द मेन अटैकिंग प्लेयर है अलॉन्ग साइड ऑर्सिज। और जिस तरह से रिसेंटली चेल्सी का डिफेंस परफॉर्मेंस किया है, उतने ज्यादा वो डिफेंसिव वाइज क्लीनशीट नहीं रख पाए, तो अभी के लिए इस वजह से मैं पेटकोविच को भी पिक करके चल रहा हूँ। बट अगर आपको लग रहा है ना पेटकोविच गोल असिस्ट नहीं मारेंगे तो पिक मत करना, बिकॉज ये विदाउट गोल असिस्ट ज्यादा पॉइंट नहीं देंगे। उस केज में आप पेटकोविच हटा के या तो मिसिच पिक कर लेना डिफेंसिव मिडफील्डर, या आप डिफेंस में रिस्टोविस्की के साथ जा सकते हैं। आपको रिस्टोविस्की नहीं लेने, आप जुविचिच के साथ जा सकते हैं। बाकी मैं अभी के लिए पेटकोविच के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि चेल्सी का डिफेंस कहीं ना कहीं लीक ही रहा है। दूसरी चीज, इन दोनों में ऑर्सिज और पेटकोविच में कोई पेनल्टी भी ले सकता है, इस वजह से भी अभी के लिए मैं इन दोनों को ही पिक करके चल रहा हूँ। तो ये डिनामो जागरेब की प्रोबेबल 11 थी, यहाँ से भी मैंने आपको लगभग सभी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। बाकी पेनल्टी मैंने इनकी बता दी थी, और ये मैंने इनके लिखे हैं अभी जो इन्होंने यूसीएल क्वालिफायर्स खेले हैं उसके स्टैट, आप ये स्टैट देख लीजिए। फिलहाल जो मेरी इस मैच की प्रेडिक्शन रहेगी, मैं एक नैरो 2-1 चेल्सी विक्ट्री के साथ जा रहा हूँ, दूसरी मेरी एक 2-0 चेल्सी विक्ट्री है, फेवरेट चेल्सी है, लेकिन डिनामो अपने घर में अपसेट जरूर कर सकती है, उसका आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना, कुछ डिनामो कॉम्बिनेशन ले जा सकते हैं जीएल में। तो फिलहाल ये मेरी डेमो रफ टीम है, गोलकीपर मैंने लिवाकोविक लिए जो कि डिनामो जागरेब के हैं, मैंने अभी चारों डिफेंडर चेल्सी के पिक किए, जेम्स है, फुफाना है, चिलवेल है और कुलीबाली है, यहाँ मैंने माउंट लिया, मैंने जॉर्जिनियो लिया है, और अभी के लिए मैंने रहीम स्टर्लिंग को भी पिक किया है। यहाँ से मैंने ऑर्सिच, अडेमी और पेटकोविच को पिक किया। अगर आपको लग रहा है पेटकोविच फ्लॉप जाएंगे, या मिडफील्ड में पिक कर लीजिए उनका डिफेंसिव मिडफील्डर मिसिक, या आप डिफेंस में रिस्टोविस्की के साथ जा सकते हैं। बाकी अगर आपको ब्रोजा पिक करना है तो मे बी आप फोफाना ड्रॉप करके या कुलीबेली ड्रॉप करके फॉरवर्ड में ब्रोजा ले सकते हैं, या आपको कोवाचिच पिक करना है तब भी आप फोफाना या कुलीबेली ड्रॉप करके मिडफील्ड में कोवाचिच पिक कर सकते हैं। एक और चेंज करके आप इनमें से किसी को पिक कर सकते हैं, ब्रोजा या कोवाचिच को। उस केस में आपको लग रहा है जॉर्जिनियो माउंट में जो फ्लॉप जाएगा, आप उसको ड्रॉप करके कोवाचिच या ब्रोजा के साथ जा सकते हैं। फिलहाल हम चेल्सी को पैक कर रहे हैं, तो अभी के लिए स्टर्लिंग और रीस जेम्स मुझे बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शन लग रहे हैं। मेसन माउंट भी डिसेंट ऑप्शन है, थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन प्लेयर बड़ा है, कभी भी फॉर्म में आ सकता है। अगर आपको लग रहा अपोनेंट भी मारेगा, एक ड्रॉ होगा, आप स्टर्लिंग ऑर्सिज या स्टर्लिंग पेटकोविच या जेम्स ऑर्सिज, जेम्स पेटकोविच, ये कॉम्बिनेशन भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। तो फिलहाल ये मेरी डेमो रफ टीम थी, जो भी मेरी अपडेटेड फाइनल टीम होगी लाइनअप आने के बाद वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिए।